मेरे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, एकदम जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए बच्चे, फटाफट आज का लेक्चर जो स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ने वाले बच्चे हम लोग ऑक्सीजन फैमिली के बारे में पढ़ने वाले हैं। नाइट्रोजन फैमिली के जो मेथड्स होते हैं, हैबर्स मेथड, अमोनिया पानी की जो हैबर्स विधि थी, वो अपन लोगों ने बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ा हुआ है। उसके साथ ही साथ मैंने बच्चे हम लोग जो नाइट्रिक एसिड बनाने की जो ओस्टवाल्ड मेथड था, उसके बारे में भी बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ा हुआ है। और सारे प्रोसेस के बारे में मैंने बताया, एक एक पॉइंट्स के बारे में वहां पर डिस्कस किया हुआ है बच्चा। अब जो है हम लोग ऑक्सीजन फैमिली के ऊपर आते हैं। इस ऑक्सीजन फैमिली को जो है चालकोजन फैमिली भी बोला जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, हमको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेना चाहिए। देखो बच्चे, मैंने आपको बताया हुआ है कि हम ऑक्सीजन फैमिली को ग्रुप नंबर 16 में पाते हैं। ऑक्सीजन के बाद बेटा ऑक्सीजन, ठीक है, सल्फर, सिलेनियम, ठीक है, ये जो टी है, पीओ, ये सारे जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर्स होते हैं। तो बच्चा इस ऑक्सीजन फैमिली के अंदर हमको कुछ भी ज्यादा जानने की नीड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बेटा डायरेक्ट हम जो है क्वेश्चन के ऊपर आए कि इस क्वेश्चन, इस जो है फैमिली से कौन से ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चा हम लोग जब एनालाइज करने बैठे तो हमको ये पता चला कि इस जो है ग्रुप से सिर्फ और सिर्फ ओजोन के बारे में पूछा जाता है। किसके बारे में बेटा, ओजोन के बारे में पूछा। तो मैं आपको ये इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ बच्चे कि आपको यहाँ से ज्यादा कुछ पढ़ने की नीड नहीं है, सिर्फ आप ओजोन के बारे में पढ़ लो तो भैया आपके यहाँ से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए बच्चे फटाफट ओजोन के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो भैया, ओजोन आखिर बनता किससे है बच्चा? ओजोन जो होता है ऑक्सीजन के फॉर्मेशन से बनता है। ऑक्सीजन का हम लोग क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस कराते हैं। भैया यहाँ से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, वो भी बिना स्पार्क वाले विद्युत धारा प्रवाह की जाती है, तब क्या होता है बेटा, हमारा जो ओजोन का निर्माण होता है। अब ओजोन कहाँ प्रेजेंट होता है? ओजोन जो होता है भैया हमारे वायुमंडल में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे बच्चा? वायुमंडल में प्रेजेंट होता है। इसके बारे में हमको और एकदम डिटेल इन डेप्थ बात करने की नीड नहीं है, क्योंकि बच्चे हम जो इसके डायरेक्ट जो क्वेश्चंस के ऊपर जंप करने वाले हैं कि यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। क्लियर है सारे बच्चों को? देखो भैया ओजोन के बारे में क्या, ओजोन का फॉर्मूला अगर बात बोलूं, तो ओजोन क्या है भैया, ओजोन के बारे में पूछा जाता है। ओजोन के अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं बच्चे, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं O3 से। क्या बच्चा? O3 से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो क्लियर है सारे बच्चों को? ऑक्सीजन से जो है हमारा O3 बनता है, ओजोन बनता है, ठीक है। अब बच्चे इसके अंदर हम लोग क्या बात करते हैं, सीमेंस की ओजोनाइजर जो प्रोसेस होता है, प्रक्रम होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर जम करते हैं बच्चे, ध्यान से सुनो, ओजोन के बारे में बात करते हैं। सीमेंस की, सीमेंट के ओजोनाइजर के द्वारा ओजोन के निर्माण किस प्रकार करते हैं, इसका सचित्र वर्णन कीजिए। इस तरीके से आपके जो एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बच्चा इसको जो है एकदम अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से बच्चे क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट होकर समझना है। बहुत ईजी, बहुत ज्यादा सरल ये हमारा प्रोसेस होने वाला है, लेकिन इसको समझने में बच्चा पता नहीं क्यों जो है कंफ्यूज होते रहते हैं। तो चलिए बच्चा फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखो भाई यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ कंडीशंस और कुछ जो है डायग्राम्स बेटा पहले से ही ड्रॉ करके रखे हैं, जिससे हमारा टाइम जो है थोड़ा सेव हो पाए, जिससे ये जो वीडियो है बेटा क्या हो सका है, थोड़ा सा कम लेंथ का बन पाए, ठीक है बच्चे। तो इस प्रकार मैं बात करूं तो यहाँ पे कुछ कंडीशन है, कौन कौन से ऐसे कंडीशन है, सिंपल सी बात है बच्चा कि हमारा ओजोन जो होता है वो O2 के क्या होता है, O2 से ही बन पाता है, मतलब ऑक्सीजन से ही बनता है। ऑक्सीजन साथ कैसे बनेगा, ठीक है, जब ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन में हम लोग जो है शांत विद्युत विसर्जन करते हैं, और विसर्जन शब्द सुन के ही बेटा आपको ये याद आ रहा होगा कि विसर्जन आप लोगों ने कहाँ पे पढ़ा हुआ है, जहां पे आप लोग कक्षा 9th में थे या फिर कक्षा 11th में आए थे, तो वहां पे कैथोड का जो जनरेशन हुआ था, वहां पे आपने एक विसर्जन ट्यूब के बारे में पढ़ा होगा, विसर्जन नलिका के बारे में पढ़ा होगा। तो यहां से भी विसर्जन आएगी बेटा। तो यहां पे हम क्या लगाएंगे, एक ट्यूब का बनाएंगे, एक ट्यूब बनाएंगे जिसमें ऑक्सीजन गैस फ्लो कराएंगे, और वहां पे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर बेटा वहां जो ऑक्सीजन रहता है वो जो है O3 में कन्वर्ट हो जाता है। क्या बच्चा? O3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ओजोन का सीमेनाइजर, सीमेंस का ओजोनाइजर प्रोसेस बोल रहे होंगे। क्लियर है सारे बच्चों को? समझ में आया, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखो, पहला कंडीशन क्या था कि हम कोई इसको रासायनिक अभिक्रिया में लिखा, तो ये रासायनिक अभिक्रिया आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। हमारे पास ऑक्सीजन है, इसमें साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में, मतलब शांत विद्युत विसर्जन करने पर हमको क्या मिलता है, ओजोन मिल जाता है। मैं शांत इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, यहाँ पे स्पार्क की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ओजोन में अगर स्पार्क दिए तो यहाँ पे O3 का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। ऑक्सीजन में अगर स्पार्क अपन दिए तो वहाँ पे O3 का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो हम बात करेंगे शांत विद्युत विसर्जन के बारे में बात कर रहे होंगे, एकदम सिंपल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दूसरा जो कंडीशन होता है बेटा वो क्या होता है, उष्मा शोषी प्रक्रिया। जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, उष्मा शोषी प्रक्रिया होती है। मतलब यहाँ पे अपन को ऊर्जा देनी पड़ती है, क्या बच्चा, एनर्जी लगानी पड़ती है। तो वो एनर्जी क्या होने वाली, देखो 142 किलो जूल इनवर्स, मोल इनवर्स एनर्जी अपन को जो है इस अभिक्रिया में लगानी पड़ती है। मतलब उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है ये,
क्लियर बच्चे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। दूसरी बात यहाँ पे बेटा, जो टेम्परेचर रखेंगे हम, जो तापमान रखेंगे इसका, वो रहने वाला है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही बच्चा हमको O3 का फॉर्मेशन होता है। तो दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या होना चाहिए, 298 केल्विन होना चाहिए या फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, ठीक है। अब बच्चे जो हम O2 यूज करेंगे, मतलब जो ऑक्सीजन यूज कर रहे होंगे, वो ऑक्सीजन क्या होगा, एकदम शुद्ध एवं शुष्क अवस्था में ही रहना चाहिए। क्या एकदम प्योर रहना चाहिए वो ऑक्सीजन, एकदम उसमें किसी भी प्रकार की, किसी भी तरीके की जो इम्प्यूरिटी नहीं होनी चाहिए, वो एकदम शुद्ध होना चाहिए। सिंपल है, एकदम शुद्ध होना चाहिए, तो हम उसका यूज करेंगे, ठीक है। तीसरी बात, अब चौथी बात बच्चे हमको कहाँ पे, यहाँ पे क्या है, नो विजिबल स्पार्किंग की यूज करना है। मतलब यहाँ पे हमको ऐसे जो है विद्युत धारा प्रवाहित करनी है जो कि एकदम शांत हो, वहां पे चिंगारी जो है नहीं लगनी चाहिए। ये हमारे पास कुछ चार कंडीशन, तो ये कंडीशन जब फॉलो होंगे तो बच्चे हमारा जो ऑक्सीजन जो रहता है वो ओजोन में क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है, बन जाता है, ओजोन का निर्माण हो जाता है। तो इसके बजाय अब विधि के बारे में बात करते हैं कि सीमेंस की ओजोनाइजर विधि हमको क्या सिखा रही थी। ये पूरा प्रोसेस, ये पूरा फंडा आपको समझ में आया पहली बात, ठीक है। अब उसके प्रोसेस के बारे में जाते हैं। देखो बच्चा, सीमेंट का जो ओजोनाइजर जो प्रोसेस होता है, ये कुछ इस तरीके से दिखता रहता है। इसके अंदर बच्चे हमको कुछ क्या होता है, दो जो है समकेंद्री ट्यूब लगी होती है, नलिका लगी होती है। समकेंद्री कहने का मतलब, जब आप जो है समकेंद्री मतलब जब आप बच्चे पेन देखते हो, ठीक है, अपना पेन, उस पेन के अंदर रिफिल लगा होता है। क्या बेटा, रिफिल। तो रिफिल भी क्या होता है, बेलनाकार होता है, वो पेन भी एक बेलनाकार होता है। मतलब एक समकेंद्री बेलन के अंदर एक और जो है हमारा जो रिफिल लगा होता है वो भी एक बेलनाकार होता है, तो उसी को हम लोग समकेंद्रीय नलिका बोलते हैं। क्या बेटा, समकेंद्रीय नलिका। तो ये जो होता है बेटा, ये क्या होता है, हमारा समकेंद्रीय नलिका होता है, ठीक है, समकेंद्रीय नलिका रहता है, ठीक है। तो ये बात सारे बच्चों को क्लियर है। अब यहाँ पे दो समकेंद्री नलिका होता है बेटा, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे तो एक ही दिख रहा है सर, लेकिन बच्चे मैं दो बोलूंगा। दो क्यों बोलूंगा बच्चे, ध्यान से सुनना, क्योंकि क्योंकि बच्चे ध्यान से सुनो, ये जो हमारा है एक जो है बेटा, यहाँ पे देखो, ये जो है हमारा एक नलिका है, और यहाँ पे नीचे में देखो, नीचे की ओर पे ये मेरा दूसरा नलिका। तो दो समकेंद्री नलिका को जोड़कर बेटा क्या कहते हैं, एक साइड से, दो समकेंद्री नलिका को एक साइड से अपन कंप्लीटली बंद कर देते हैं, पूरी तरह जो है बंद कर देते हैं। एक साइड से बच्चे क्या होते हैं, इस एक साइड से अपन ने इस नलिका को बंद कर दिया, और उसके दूसरे साइड को बच्चे क्या कर देते हैं, यहाँ से हम लोग खुला छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, खुला छोड़ देते हैं। ऐसे इस तरीके से आपको एग्जाम्स के अंदर लिखना होगा। हम जो है यहाँ पे दो समकेंद्री नलिका यूज करेंगे, उपयोग में लेंगे, जिसका एक सिरा जो होता है पूरी तरह बंद रहता है, और उसका दूसरा जो सिरा रहता है वो जो है खुला रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे हम जो है यहाँ पे एक छिद्र लगा होता है, इस छिद्र बना हुआ है, उस छिद्र में से हम लोग शुद्ध एवं शुष्क जो ऑक्सीजन होता है उसको क्या करते हैं, फ्लो कराते हैं, शुद्ध एवं शुष्क ऑक्सीजन का फ्लो कराते हैं, ये बात, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे जो ऊपर की ओर जो कोटिंग लगा होता है, किसका बेटा, कोटिंग जो लगा होता है, आवरण जो लगा होता है, जो चार लगी होती है, उसको अपन बोलते हैं टीन का पात्र। क्या बच्चा, टीन का जो हमारे यहाँ पे एक लेयरिंग, एक कोटिंग लगी थी, जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये हमारा क्या है, टीन का कोटिंग लगा है। इसमें जो ऊपर वाला कोटिंग होता है बेटा, ध्यान सुनना और ध्यान समझना, ये जो ऊपर वाला जो कोटिंग रहता है, ये जो कोटिंग रहेगा बेटा, इसके जो है ऊपर वाले कोटिंग से इस तरीके से अटैच्ड रहता है। कह रहे बेटा, इस तरीके से अटैच है, ये जो ऊपर वाला जो टीन का कोटिंग है, इसके नीचे वाले टीन के कोटिंग के साथ अटैच्ड रहता है, और इसके जो नीचे वाला जो कोटिंग रहता है बच्चे, ये जो है बैटरी के, या फिर बोल सकते हैं प्रेरक कुंडली के नेगेटिव चार्ज के साथ अटैच रहती है, ठीक है, अटैच रहती है। इसका ऊपर वाला भाग जो है, इसका जो दूसरा समकेंद्री नलिका का ऊपर वाला भाग, ऊपर वाले जो है नलिका के ऊपर वाले भाग से जो है, ऊपर वाले टीन के पात्र से अटैच रहता है। इस दूसरे वाले जो कुंडली का बच्चा, जो नीचे का पार्ट है, नीचे के जो तीन पात्र है, ये जो है प्रेरक कुंडली के माइनस चार्ज से क्या होती है, अटैच्ड रहती है, जुड़ी रहती है, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, यहां से क्या होगा, तो करंट का फ्लो हो रहा है बेटा, तो पूरा इस ट्यूब के अंदर जो है करंट का फ्लो होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल बच्चे, डेफिनेटली इस ट्यूब के अंदर जो है करंट का फ्लो होने। अब वो करंट का फ्लो जब होगा तो वो ऑक्सीजन के साथ, भाई ऑक्सीजन वहां पे प्रेजेंट है, और वो ऑक्सीजन जो है विघटित होकर बच्चे क्या बना देगा, O3 का फॉर्मेशन करेगा, जहां से बच्चे ये क्या होता है, O3 का मेरे को फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है बच्चे। यहां पे क्या होगा, O3 का फॉर्मेशन होगा, यहां पे O3 का फॉर्मेशन मेरे को इस तरीके से मिलेगा, O3 गैस यहां से निकलने लगेगी, और O3 को बच्चे अपन लोग यहां से क्या करते हैं, इमिट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस बच्चे एकदम बहुत ज्यादा इजी है, और इसका रासायनिक अभिक्रिया की मैं बात करूं बच्चे, तो रासायनिक अभिक्रिया कहां से मिलेगी, देखो यहां से मैंने बताया कि भैया 3O2 प्लस क्या होता है, 2O3 मेरे को फॉर्मेशन करना है, O3 मेरे को बन गया है, और वही कैसे बना, शांत जो है विद्युत विसर्जन की तरीके से, शांत विद्युत विसर्जन से हमको जो है ओजोन का जो है यहाँ पे निर्माण हो गया। और यहाँ पे एक बात देखो, ये कंडीशंस आप भूलना नहीं, क्या बेटा, ये कंडीशंस आपको भूलना ही नहीं है। क्यों नहीं भूलना, क्योंकि इसी कंडीशन पे ये हमारा ओजोन गैस जो है बनेगा, अदरवाइज भैया नहीं बनने वाला है। एकदम क्लियर सारे बच्चों को, तो चले बच्चे, ये पूरा पूरा का पूरा जो हमारा ओजोन का
सीमेनाइजर प्रोसेस था, सॉरी सीमेंस का जो ओजोनाइजर प्रोसेस था ये अपन ने यहाँ पे खत्म कर चुके। बहुत बढ़िया तरीके से बच्चे इसको पढ़ाया कि भैया ये अगर इसको, ठीक है, अगर इसको किसी भी बच्चों को और एकदम अच्छे तरीके से पढ़ना बेटा वो क्या कर सकता है, ये वीडियो को बार बार देखे, अगर जिसको समझ नहीं है तो उसको रिपीट करके वीडियो देखे और जिससे सारी चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ बच्चा, ध्यान से देखो, यहाँ से जो O3 जो बना रहेगा, ठीक है, यहाँ से जो ओजोन बना उसका जो परसेंटेज होता है बेटा क्या होता है, 10 से 15% होता है, 10 से 15% हमको यहाँ से ओजोनाइज्ड गैस जो है मिलती है, मतलब आयोनाइज्ड गैस हमको मिल रही होगी, ऑक्सीजन गैस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, आयोनाइज्ड ऑक्सीजन गैस मेरे को मिल रही होगी जिसको हम लोग O3 बोलते हैं बेटा, ठीक है, O3 बोलते हैं, ठीक है, ऐसे ऊपर में नहीं, O3 हम लोग इसको बोलेंगे। तो इस प्रकार से बच्चे हमको ओजोन का फॉर्मेशन समझ में आया। तो बच्चे ये पूरा प्रोसीजर आप लोग समझे, इसके पहले प्रोसेस बच्चे हम लोग हैबर्स प्रोसेस के बारे में पढ़ा हुआ है, उसके बाद बच्चे ओस्टवाल्ड प्रोसेस पढ़ा, अब बच्चे हम लोग इसका तीसरा प्रोसेस, मतलब हम लोग ओजोन को जो है बनाने की जो प्रक्रिया होती है सीमेंस ओजोनाइजर, ये यहाँ पे जबरदस्त तरीके से फोड़े हुए हैं। अब बच्चे हम लोग जो है ऑक्सीक्लोराइड के ऊपर जंप करते हैं कि भैया ऑक्सीक्लोराइड हमारे पास कितने होते हैं, इसके अंदर बच्चे हम लोग ऑक्सीक्लोराइड बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। तो अभी के लिए बच्चे वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, धन्यवाद।